हाय गाइस, आई एम निहारिका रॉय, राधा फ्रॉम प्यार का पहला नाम राधा मोहन। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने शो को लेकर। इनफैक्ट सबके साथ शूट करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और क्योंकि हर चैनल का एक अलग अलग फील आता है, तो मुझे जी टीवी से एक बहुत ही अलग वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आई होप हमारा शो बहुत आगे जाए आप सबके आशीर्वाद के वजह से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पूरा एक अलग ही जॉनर है। पहले मैंने कॉमेडी किया था, अब ये एक अलग ही रोमांस के ट्रैक पे आ रहा है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया ऐसे प्रॉपर रोमांस। और पूरा गेटअप भी अलग है, पूरा राधा जैसा गेटअप है। मुझे ये लहंगा दिया जाता है, ये झुमके, ये बैंगल्स, ये मेरे पूरे लुक में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मेरा नथ, जो मुझे कम्प्लीटली चेंज कर देता है। तो इन सब को लेकर मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ख़ुद को जब मैं आईने में देखती हूँ तो उस लुक में देख के मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलती है, तो उस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं फिर परफॉर्म करती हूँ। तो राधा मोहन स्टोरी ऐसी है कि जब राधा छोटी थी, जब उसने अपनी माँ को खोया था, तब वो पाँच छः साल की थी। उस टाइम पे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, तो उसे संभालने के लिए तब मोहन, जो कि काफ़ी बड़े थे उम्र में, तो उन्होंने राधा को एक गीता दी थी, भगवद गीता दी थी, और कहा था कि आज से, मतलब उस दिन से, वही गीता तुम्हारी गाइड है, वही तुम्हें गाइड करेगी कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और क्योंकि राधा छोटी थी, तो जैसे अभी नॉर्मली कैसे होता है कि बच्चों को जो बड़े बोल देते हैं, बस बच्चे वही अपने मन में घुसा लेते हैं और वैसे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो राधा भी बच्ची थी। तो मोहन ने, क्योंकि वो गीता दे दी और कहा कि वही गाइड है, वही आपको पाथ बताएगी कैसे जाना है, तो राधा ने वैसा ही उसे फॉलो कर लिया। और गीता तो उसने मान ही ली कि अभी यही एक वे ऑफ लाइफ है, ऐसे ही अभी लाइफ बढ़ेगी आगे, यही लाइफ होती है। और साथ ही साथ मोहन को भी अपना भगवान मान लिया। तैयारी तो अभी भी कर रही हूँ शूट के दौरान, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी तैयारी करती हूँ। बट ऑनेस्टली जब मुझे ये कैरेक्टर आया था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ अलग करना होता है। तो इस कैरेक्टर में वही अलग था, चुलबुली बबली कैरेक्टर था, और मासूम थी, यंग थी, और बच्चों से बहुत प्यार करती, एकदम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल इस एज में बच्चे होते हैं, एकदम गांव की लड़कियां कैसी होती है, एकदम बिंदास और मजाक करने वाली, पर दादी से एकदम बराबर डांट खाने वाली, मार खाने वाली, वैसी वाली। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कैरेक्टर को लेकर, और मैं वहाँ पे प्रे कर रही थी कि बस मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊँ। और फिर मैंने ऑडिशन दिए, 2-3 मेरे ऑडिशन टेस्ट हुए थे, और उसके बाद मुझे कैरेक्टर ब्रीफिंग मिली। तो कैरेक्टर ब्रीफिंग मुझे, जब मुझे समझाया गया कि राधा का कैरेक्टर कैसा है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि गाँव की लड़की बोला जाए तो या तो बहुत शांत है, या तो सहमी सी रहती है, या तो बहुत चुलबुली होती है, या तो बहुत बिंदास होती है, या तो हम अगर देखें गरीब लोग को, तो काफ़ी टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। बट ये कैरेक्टर ऐसा है कि इसे हर चीज़ की फ्रीडम है, वो चुलबुली भी है, वो जब किसी की डांट पड़ती है तो सहम भी जाती है, प्यार भी करती है, और मस्ती मजाक सब कुछ करती है, तो हर एक चीज़ है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो थी, और तैयारी के लिए मुझे काफ़ी पुरानी फिल्म्स देखने कहा गया था, हीरोइंस की अच्छी फिल्म्स, पुरानी वाली, तो मैंने वो थोड़ी बहुत देखी हैं। और उसके बाद मैंने क्योंकि राधा का कैरेक्टर, जस्ट बिकॉज राधा यहाँ पे मोहन से डिवोशनल वाला लव करती है, प्यार वाला प्यार नहीं जो हम नॉर्मली करते हैं,
जैसे हम भगवान को प्यार करते हैं, हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हम उनके लिए व्रत रखते हैं, तो जो फीलिंग है वही राधा को मोहन के लिए भी है। तो इस वजह से मुझे मीराबाई को जो जो है राधा की बहुत बड़ी भक्त, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है हर टाइम जब भी मैं करती हूँ, जब मोहन के साथ सीन्स होते हैं मेरे, तो वो मैंने दिमाग में बैठा लिया था कि पूरा तो कैरेक्टर मीराबाई है नहीं, बट जब कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं, ऐसे सीन्स आते हैं, तो वहाँ पे मैं मीराबाई की छोटी बहुत चीज़ें लेती हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ लव मीराबाई हैड फॉर कृष्णा, वो जो डिवोशनल वाला लव था, वही राधा में भी है। और बाकी तो चुलबुली वो तो हो ही जाता है, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और उसी में कुछ कुछ तरीके और ढूंढती हूँ, और वैसे ही यू नो तैयारी भी आगे वैसे ही करती रहती हूँ, सीन्स के अकॉर्डिंग तैयारी हो जाती है। फिर ऑफकोर्स काफ़ी कुछ अलग देखने मिलेगा। राधा जो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है और गांव की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और बिन माँ की बेटी है, तो पापा ने और दादी ने ही पाला है, बट बचपन में जब माँ की डेथ हो जाती है तब किसी और लड़के ने उसे गीता दी थी, और वही गीता और वो लड़का उसका यू नो भगवान बन जाते हैं, उसके भगवान बन जाते हैं, और फिर वो कैसे उस अपने भगवान को खुश देखना चाहती है, खुश रखना चाहती है, जैसे हम नॉर्मली भगवान को संतुष्ट रखना चाहते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं आप हम पर कृपा बनाए रखिए, वैसे वो भी मोहन जी को खुश रखना चाहती है, संतुष्ट रखना चाहती है, और ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा आपको देखने मिलेगा कि एज डिफरेंस होगी, कि राधा इतनी छोटी है, मोहन इतने बड़े हैं, बट दादी को यहाँ पे हमेशा डर लगा रहता है कि समाज पता नहीं क्या कहेगा इस बारे में, बट राधा कहीं ना कहीं ये मानती कि मेरा उनके लिए वैसा प्यार नहीं है, मेरा उनके लिए भगवान और भक्त का जो प्यार होता है, उनके बीच जो कनेक्शन होता है, मेरा मोहन जी के साथ वही है, तो आप प्लीज़ हमारे इस जो भी हमारे बीच में है इसको गलत नाम मत दीजिए। तो इसी सब से स्टोरी आगे बढ़ती है, तो ऐसी आपको कुछ स्टोरी आपको देखने मिलेगी। तो जब मुझे पता चला कि शबीर सर मेरे ऑपोजिट आ रहे हैं, तो पहले तो मैं एकदम यू नो स्टंड हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो यू नो टीवी इंडस्ट्री के कितने बड़े स्टार हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं कि मतलब मैंने उनके शोज़ देखे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूँगी, काम करने की बात तो बहुत दूर की बात है, तो मैंने सोचा था कि मैं मिलूँगी या कभी ऐसा हुआ तो होगा, बट काम करने का मैंने कभी सोचा नहीं था, बट जो मुझे पता चला कि वो करेंगे मेरे ऑपोजिट, तो सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था वो था मम्मी डर लग रहा है क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमेशा से एक ऐसी इमेज बनी हुई है ना दिमाग में कि कोई भी बड़ा स्टार हो, कहीं ना कहीं एटीट्यूड ईगो या हल्का सा रूट तो रहेगा ही, तो भले ही आप कितने भी अच्छे यू नो सीन्स करो या आप कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग क्यों ना हो जाए, कभी ना कभी आप वैसी चीज़ें फेस करोगे। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे शबीर सर के साथ करने का मौका मिला है, और क्योंकि टच वुड को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, मैं बस इतना कहूँगी, आई थिंक सबको शबीर सर जैसे को एक्टर्स मिले, इतने सपोर्टिंग, इतने मोटिवेटिंग और इतने इंकरेजिंग है वो, हर दिन मुझे इंकरेज करते रहते कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करो, और उनका जो हमेशा इम्पोर्टेंट लाइन होता है वो होता है तुम इन्जॉय कर रही हो ना निहारिका, बस इन्जॉय करो और कुछ नहीं, और वो बस यही बोलते रहते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतने बड़े स्टार, और मैंने बस स्टार्ट किया है, मैंने शुरू भी नहीं किया है, जिसमें एंटर हुई हूँ, और वो मुझे हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे उनके साथ इस जर्नी में जाने के लिए। या